पर ये दिए गए सबूत से ये वादे है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का अंदरूनी मस्जिद में आखिरी नमाज बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। उनकी जो मूर्ति रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो लीगल था। नंबर 5, बाबरी मस्जिद के बीच वाले नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है वो बता रहा हूं। लिहाजा सूत्र नंबर 5 के करीब नंबर 2 जन्म, लिहाजा सूत्र नंबर 5 के करीब नंबर 2 जन्म स्थान को दीन की नहीं माना जा सकता। नंबर 6, मुसलमानों के जरिए दायर करता मुकदमा नंबर 4। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी राय दी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के साथ हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदू भी सैकड़ों साल से इबादत पूजा करते रहे हैं, इसलिए पूरी नजाई जमीन की इमारत। नंबर 9, चूंकि नजाई जमीन मुकदमा नंबर 5 के करीब नंबर 1 को दी गई है, इसलिए मुसलमानों को 5 इकाई हुकूमत के जरिए, ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करता। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात भी तस्लीम की कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। 1 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्तियां रखे जाने के ताल्लुक से एफआईआर और हुकूमत उत्तर प्रदेश डीएमएफ के मंसूरा मूर्तियां जो आयोजन करके रखे गए थे चोरी से या जबरदस्ती रखी गई थी और हाईकोर्ट की लखनऊ में मंसूरा वाला हालात में आज की मीटिंग में यह महसूस किया गया कि अदालत उस्मा के मंसूर वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहरी कलम नासिब मालूम होता है। मस्जिद के हमला खास तौर से दर्ज दैल बातों पर फॉलोइंग पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं, जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को डीटी कैसे मान लिया गया। सावन से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मौसम जजों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्त बैंक 1995 की दफा 104A और जो आर्टिकल मजाथा लड़की है उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न तो एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है, मना किया गया है। तो वक्त बैंक के दर्ज इस कानूनी मुकिन कैसे दी जा सकती है जबकि खुद जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के अख्तियार मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। वजह से आपला ने मस्तुरा पहलुओं की दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिपोर्ट जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है। ये हमारा ठहर जाइए पहले जिलानी साहब को कहने दीजिए, पहले एक हमारी आवाज तो पहुंचना चाहिए। जो दो फैसले हैं, एक फैसला तो ये है कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, ये बोर्ड ने फैसले को देने का डायरेक्शन दिया है, उस जमीन को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका शरई पहलू पहले मैं वाजे कर देना चाहता हूँ। मौलाना अपने बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर दो बुनियादी बातें कह रही कि अपील दायर करेंगे, इसलिए मैं आप लोग आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें एक इख्तियार था उसे लामहदूद तरीके पर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे प्रेस नोट में लिखी हुई है। मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है,
हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है, संग हो चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज दी जाए, और ये बात इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है। वो थोड़ी सी जमीन देकर ये कहा जाए कि वो उस पर तैनात कर दे। शरीयत इस्लामी के रूह से हम इस बात के पाबंद हैं कि हम मस्जिद के सिलसिले पेशकश के तौर पर दी जा रही है 5 एकड़ जमीन, उसे कबूल नहीं किया जाए। जी आप कुछ पूछ रहे थे, आपकी बात मानेगा कि वो जमीन ना ले? देखिए मशवरा तो अखबार में छपा है, तो उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, और जो मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर हुआ था, CPCC में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था, और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है, मुस्लिम पर्सन लोगों का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड को ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ है और वक्फ़ के खिलाफ। हमने वक्फ़ की इशारा नहीं की है कि वक्फ़ के तहत वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि एवज या पेशकश, तो आप साफ कर दें कि कोर्ट ने क्या कहा है और आपका नजरिया क्या है? देखिए उर्दू में जो आर्टिकल 142 में इसका लफ्ज लिखा गया है, उनकी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी, इसलिए मुसलमानों को एक जमीन अलॉट की जाए 5 एकड़, तो ये बिल्कुल एक्सचेंज रेस्टिट्यूशन तो खड़ी नहीं है। कोर्ट ने यही कहा? नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मस्जिद बनाया जाए, ये रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन जो है द्वारा बनाया जाए तो इट इज नॉट रेस्टिट्यूशन, कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन नहीं कहा। जी एक मिनट, कौन कौन इसमें मुसलमान पक्षकार होंगे और क्या वकीलों में भी कुछ बदलाव? उसमें 3 पक्षकार हैं, मौलाना महफूजुर रहमान, मोहम्मद उमर और मिजलाउद्दीन, इनकी तो पेंशन मिल चुकी है, रिव्यू पार्टी बनाया गया, क्योंकि डिपेंडेंट्स हमारे पास है, पुलिस जो आपके हो सकते हैं रिव्यू पटिशनर्स। अब ये सब तो अंदरूनी बातें हैं जो बात हो रहा है। अभी हमारे राजीव धवन साहब का मशवरे से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 3 दिन का होता है, तो 3 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। ये आप ESI के हवाले से कह रहे हैं, सिर्फ तोड़ के मस्जिद सही बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है, ESI भी लिखा है रिपोर्ट में भी कि हम कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये कहा है? ये बात वही सुप्रीम कोर्ट तौर पर ये नहीं कहा है कि तोड़कर बनाई गई है, वही वही सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कहा है ना। तो 12वीं सदी के बाद 12वीं सदी के तक के उन्होंने माने हैं आर्किटेक्ट वगैरह जो पाए गए हैं आर्किटेक्ट 300 साल का। अच्छा आपने बताया कि मौजूद थे नहीं अच्छे नहीं अच्छे सुनिए 45 की तादाद बताई उन्होंने तकरीबन, तो इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटी भी थी तकरीबन 35-40 के बीच में 35 से 40। उनमें से किसी ने क्या आपसे असहमति जताई? देखिए रेजोल्यूशन यूनानिमस है, आपको अंदर की बात बता दी, ये अंदरूनी बात नहीं बता रही। एक बार आपकी किस्सा तीसरा नाम मिर्जाउद्दीन, मिसबाउद्दीन, ये तीनों प्लेंटी भी हैं या प्लांट भी हैं? जी सवाल मेरा ये नहीं है, पक्षकार के लिए यह गलत मान लीजिए आप। इकबाल अंसारी का यह कहना है कि अब इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कोई भी मुकदमा रिव्यू पोजीशन में नहीं करना चाहिए। देखिए ये राजनीति नहीं है, ये भारत के संविधान में दिए गए हकों की लड़ाई है, और ये आर्टिकल 25 में हमारा फंडामेंटल राइट की हम लड़ाई लड़ा है, राजनीति कोई नहीं है। पर्सनल लगभग कतई राजनीति ज्यादा नहीं है, किसी जमात का पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है न उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हैं। जिलानी साहब लेकिन फिर भी हम बस वोट जाना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा कोई वकील नहीं कह सकता है, अभी अभी होते हैं। सर मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लार्जर बेंच ने फैसला दिया है, लार्जर बेंच उसी 5 जज की बेंच है, 5 जज की बेंच जगह दूसरा जज आएगा। नहीं है तो मुस्लिम कमेटी अगर लैंड लेने को तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के आदर की अवहेलना नहीं है, डायरेक्शन सच्चे गवर्नमेंट को हमको नहीं डायरेक्शन बिल्कुल, तो उनका एक पार्टी को वो वर्णन करते हैं, वो पार्टी का नाम हाफिज सिद्दीक साहब था जो यहाँ प्लेंटिव थे। जितने पार्टियां हैं
सबकी अलग अलग वो पिटीशन कर सकती है और करेगी। क्या जमीयतुल तैयार है सर? अभी आप कह रहे हैं मजबूत, हाँ वो आज थे उन्होंने कहा था जो वो फैसला करेगा वो हमारे। आप लोगों ने दिल्ली में कोर्ट बुलाया था आज लेकिन नहीं आया, 26 को लोग बैठा उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए बैठिए। देखिए ऐसा निमंत्रण उनको पहले भी जाता रहा है उसी लिहाज से अब भी गया था पर कभी कभी वो आए हैं। जो बयान आ रहा है क्या मानना है कि मतलब क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? अब ये क्यों तो उनसे पूछे, आप हमें कह रहा था क्यों ऐसा कह रहे हैं? सर आप हमें एक बात इतना है, कल हमारे बच्चे के खिलाफ बयान न दीजिए, वहाँ के लोगों को मना किया गया पिछले जुमे में कि आप किसी मस्जिद से बयान न जाए कि फैसले से हम मुतमिन नहीं हैं, तो इसका मतलब हो सकता है अखबार चाहिए भी कोई जवाब। सर इस मुकदमे आज मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, इसलिए वो हमने रिव्यू कर रहा किया है, वो रिव्यू का ऐलान कर चुका नहीं करेंगे तो हम उनका वकील कैसे? हम इस बात के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत थी कि रात में हमारे सदर के पास नहीं तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम मीटिंग नहीं कर सकते, उस लिए हमको जगह तब्दील करना पड़ी। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसी बॉडी को जिसका कोई ताल्लुक सियासत को और पुलिस के अफसरान की कंडेम करते हैं हम दावा करेंगे तो बिल्कुल कोई गैर सदर साहब से कहा कि आप मीटिंग मुलतवी करिए। देखिए वन शिक्षक इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है, हमारे यहाँ चल रहा है वो यहाँ की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, नवदा ने कोई एप्लीकेशन नहीं। हमारा ये स्पेस पब्लिक प्लेस नहीं है, हम जिसकी इंट्री चार्ज कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, अभी उनसे बात नहीं बताया, अभी आप महफूज रहमान का बताया नहीं बताया, इसीलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं वो अपन प्लेंटिव नहीं है, वो प्लेंटिव नहीं है, हमने प्लेंटिव का नाम पहले प्लेंटिव का भी तरफ से फाइल होगा। हाँ हाँ मौजूद है वो, मैं मौजूद हूँ। हाजी अब्दुल्ला साहब के बेटे मौजूद है जी, आप मुझे जी आए थे हम सही हुए हम अभी बात करें, वो भी इसी तरह से कह रहे हैं जैसे हमारा ये कहना है कि मौलाना जी कह रहे हैं कि शराइ में ये है कि जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन ही क्या किया है, प्लेन में साफ लिखा है कि हमको यहाँ पर वापस की दिलवाया जाए कब्जा दिलवाया जाए, प्लेन में लिखा हुआ है कि आप तो वहाँ पहुँच गए, अभी तक दाखिल होने की बात कर रही अभी नहीं बच्चे क्या सवाल मेरी बात है, ये जमीन न लेने की बात वो एक मजहबी बात है, वो मजहबी कमी नहीं है, 27 मस्जिदें वहाँ जमीन है, 41 मस्जिदें हैं टोटल, लिहाजा मस्जिदों की कमी नहीं है, बात जमीन की हक है, मस्जिद के जरिए से इंसाफ दिया जाए बात उसकी है, कोर्ट ने माना भी ये बात, कोर्ट ने माना अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब ने क्या कहा पूरे बैठक में, अमिताभ बच्चन क्या अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब कार्रवाई नहीं बताई जाती कभी, कभी कार्रवाई नहीं बताई जाती है। सरे दस तो आप ही अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं सबसे ऊँचे, जैसे अभी यहाँ मौजूद है हाजी अब्दुल्ला के लड़के दो लड़के उसके मोहरे हिजबुल्ला साहब डिपेंडेंट हैं, डिफेंडेंट हैं, पहले हम प्लेंटिव की तरह से फाइल करेंगे जो हमने तीन नाम आपको बताए, 30 दिन 8 तारीख तक मतलब 8 तारीख तक नहीं 9 को नानी उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।